जैन दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट। जो मैं चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें जो इंस्टाग्राम पे आप न्यू अकाउंट कैसे बना पाएंगे, न्यू अकाउंट एवं प्रोफेशनल अकाउंट आपका जो अच्छा वो जो है वायरल हो जाए। तो सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा इंस्टाग्राम के लिंक पे। आप मोबाइल में है आपका ऐप इंस्टाग्राम, आपको डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दिखाई देगा, आपने पहले अकाउंट है तो आप अकाउंट बना सकते हैं। फेसबुक से लॉगिन करना चाहे तो आप फेसबुक से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल अलग अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो कैसे कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर दिखाएगा डोंट हैव एन अकाउंट, तो आपको साइनअप पर क्लिक कर लेना है। साइनअप में यहाँ पर पूछता है मोबाइल या ईमेल, एक चीज़ आपको डाल देना है। एंड पूछता है आपको फुल नेम, तो आपको फुल नेम जो है यहाँ पर डालना होगा। जो आपका फुल नेम है वो आपको डाल देना है। यूजर नेम कुछ भी आप अपना यूजर नेम बना सकते हैं। तो आप देखिए यूजर नेम है आपका, कुछ भी बना सकते हैं आपका। तो नॉर्मली आपका जो यूजर नेम टिक हो जाएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड कुछ भी आपका जो मन करे वो पासवर्ड डाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर उसके बाद साइनअप कर देना है। और जैसे आप साइनअप करेंगे उसके बाद आपको दिखाई देगा आपका डेट ऑफ बर्थ। तो आपको डेट ऑफ बर्थ आप अपना बायोपिक में कुछ भी कर सकते हैं जो आपका मन हो, या आपके अपने जो भी डॉक्यूमेंट में वो भी आप रख सकते हैं ना। नॉर्मली कुछ भी कर सकते हैं जिसे आपका बर्थडे विश किया जा सके। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर कन्फर्मेशन कोड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर गया हुआ। तो मोबाइल नंबर ईमेल पर आपको कोड जो है देख लेना है। जो कोड इंस्टाग्राम का आया है वही कोड यहाँ पर फिल करना होगा। नहीं आया है तो थोड़ी देर वेट कर लेंगे। आपने मोबाइल नंबर डाला है या ईमेल डाला है उसी पे आपका जो है कोड आ जाएगा। कोड डाले, कोड सिर्फ आपका एक्टिवेट के लिए, वो आपका पासवर्ड नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या है कोड जो है डालना होगा। तो यहाँ पर कोड डाल देना है। एंड आपको यहाँ पर क्या है नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको कोड है आपको बिल्कुल सही जो सही से डालना होगा। तो आपको क्या है नॉर्मली कोई भी गलती यहाँ पर नहीं करना है, आपको बिल्कुल अच्छे से अकाउंट क्रिएट करना होगा। आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपका अकाउंट जो है एक्टिव हो जाएगा। अब इसके बाद क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर थोड़ी देर क्या आपका लोडिंग चल सकता है। लोडिंग चलने के बाद आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। तो आपको अकाउंट है आपका, वो आप अपना अकाउंट को एकदम प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप टर्न ऑन कर सकते हैं, नोट नाउ भी कर सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए। एंड यहाँ पर आप होम पेज पर जाएंगे तो होम पेज पर जाके आप देखेंगे तो यहाँ पे फॉलो करने के लिए आ रहा है। किसी को भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, नहीं करना तो आपको प्रोफाइल पर जाना होगा। देखिए प्रोफाइल पर जाना होगा एंड प्रोफाइल आपको क्रिएटिव करना है। तो प्रोफाइल क्लिक करेंगे तो आप एडिट प्रोफाइल कर देंगे तो आप अपना फोटोग्राफ है कुछ भी है जो भी लगाना चाहते हैं तो वो नॉर्मली आप अपना लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने एडिट प्रोफाइल कर देना है। एडिट प्रोफाइल करेंगे तो फोटोग्राफ चेंज करने के लिए आ जाएगा। तो फोटोग्राफ चेंज कर सकते हैं आप, अपना जो है यूजर नेम भी चेंज कर सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, अकाउंटेंट प्रोफाइल, प्रोफेशनल डिटेल, आपका पासवर्ड है आपका, बहुत सारी डिटेल्स हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या चेंज करना है वो आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप फोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे तो आप फोटोग्राफ कोई भी चाहें तो वो फोटोग्राफ आप अपना लगा सकते हैं। तो आप नॉर्मली कोई भी फोटोग्राफ लगा सकते हैं। बायोपिक में आप अपना बायो दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी के आई एम, जो भी है आप अपना, जो भी आप अपना स्टाइलिश देना चाहते हैं तो आप गूगल से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। वहीं जेंडर है आपका, जेंडर मेल है या फीमेल है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पे आपका सिर्फ अकाउंट क्रिएट हुआ है, अभी आपका अकाउंट प्रोफेशनल फोटोग्राफ आ रहा है। वहीं लैंग्वेज प्रीफ्रेंस है तो वो आपको देख लेना है। कुछ भी आपको कुछ भी करना है तो आपका नॉर्मली आपका अकाउंट बन चुका है। तो आपका अकाउंट देखिए काफ़ी प्रोफेशनल दिखेगा, आपका फोटोग्राफ लग चुका है। एंड यहाँ पे आपका बायो भी आ जाएगा तो आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो ऐसा करता हूँ आप अपना अकाउंट जो है खुद ही क्रिएट कर पाएंगे।